पाकिस्तानियों को जश्न आजादी मुबारक। मैं हूँ इरम आतिफ। और मैं हूँ सैयद आतिफ। आज हमारा प्यारा वतन 73 इयर्स का हो गया है। ये साल जैसा कि आप जानते हैं एक बहुत मुख्तलिफ साल है। कोरोना की वबा की वजह से पूरी दुनिया मुतासर है और तमाम किस्म की सेलिब्रेशन तकरीबन खत्म होकर रह गई है। लिहाजा इस साल मेरी पहचान पाकिस्तान की टीम आपके लिए 14 अगस्त की सेलिब्रेशन एक नए अंदाज से लेकर आएगी। जी जनाब, आतिफ, ये सेलिब्रेशन हमारी बड़ी मुख्तलिफ है। नॉर्मली हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ऑडियंस होती है, तो इस दफा हमने ये वाली सेलिब्रेशन इस तरह से की कि लोग इंजॉय भी करें, अपने घर पे सेलिब्रेट भी करें और डिस्टेंस के साथ। जी बिल्कुल, हम लोग इस प्रोग्राम में बेसिकली आपके साथ लेकर आ रहे हैं हमारे जितने पास प्रोग्राम हुए हैं मेरी पहचान पाकिस्तान के, उसके कुछ हाईलाइट, उसके कुछ फनकारों के साथ जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं उनके साथ मुलाकात करवाएंगे और आपके सामने उनकी इनसाइड स्टोरीज शेयर करेंगे। और इसमें कुछ गेम्स भी हैं जो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। जी तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम, हमारे दोस्त उमेर हमारे साथ मौजूद हैं। उमेर, आप कोई कॉमेडी अखबार कोई चीज सुनाना चाहेंगे इस प्रोग्राम के स्टार्ट में? जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा बड़ा एक सेटिंग ये बना है तो इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत नगमा मिली नगमा जो तो हमेशा जिंदगी से हमारे दिल के बहुत करीब रहे मैं आपके सामने पेश करूँगा। रंगो आप तुमसे है
ये सेगमेंट हमारे लिए करना बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही एक्सपीरियंस लोग जो एमपीपी के पुराने इवेंट्स को होस्ट कर चुके हैं। ये बात तो कुछ ऐसी ही है लेकिन मुझे लगता है कि आज हम इनसे बदला लेंगे जो कुछ हमारे साथ करते रहे हैं आज हम इनके साथ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आए हम मिलते हैं कवल पहार और सारा और अशरफ। बिल्कुल। अच्छा जनाब हम शुरू करते हैं कवल आपसे। कवल आप एमपीपी 2017 की होस्ट थी और इससे पहले भी आप होस्टिंग कर चुकी हैं। ठीक है तो 2018 में
आपका कैसा एक्सपीरियंस है मेरी पहचान पाकिस्तान के साथ, और कोई ऐसी चीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आज? यार एक्सपीरियंस एमपीपी के साथ तो इतना जबरदस्त रहा कि हम जो है ना पीछे अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में चले गए कि जब हम स्कूल और कॉलेज में 14 अगस्त के प्रोग्राम्स अरेंज करते थे और उसी एंथुसियाज्म के साथ जो है ना हमने यही सोचा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और थैंक्स टू यू मास्टरमाइंड्स कि आप लोगों ने हमें, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतना कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, हमारे साथ साथ काम करवाते हैं हमारे हर चीज में। सबसे बड़ी बात ये कि वो कॉज जो है ना इस कॉज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई ऐसा मोमेंट जो हुआ हो वरना मैं आपको याद करवाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत कुछ नहीं, वाकई में इवेंट्स तो बहुत सारे हुए बल्कि वो वाला इवेंट तो बहुत ही ज्यादा थ्रिल था जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि जो एक दिन पहले मेरी आवाज बंद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मुझे याद है आपका थर्मस था और आई वाज थिंकिंग कि बैक स्टेज पे इतना बड़ा वाटर थर्मस किसका है, मतलब रात में तो आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी और मुझे ये हो रहा था कि नहीं यार इस वक्त अगर मैंने एरर बनाते मेरे को फोन करके ये बताया कि मेरी आवाज चली गई, आई थिंक मैं तो बेहोश हो जाती तो लेकिन खैर अल्लाह का करना हुआ ऐसा कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे देसी टोटके और दवाइयां सब चीजें आपने और वो जो थर्मस का आपने जिक्र किया वो हर सेगमेंट के बाद में पीछे जाती थी और वो बिल्कुल मैंने देखा बिल्कुल। माशाल्लाह आपका ये जज्बा था पाकिस्तान से मोहब्बत का कि आपने उस इवेंट को अपनी आवाज खराब और तबीयत खराब होने के बावजूद भी जो कैरी ऑन किया। थैंक यू इरम, बस आपके साथ काम करके बहुत मजा आया और मतलब वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपस में जिस पाकिस्तान के लिए खड़े थे तो उस जज्बे ने हमें बिल्कुल बिल्कुल इनकरेजमेंट दी कि नहीं यार हम सबको करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बेसिकली जो आप लोगों के सब लोगों की फैमिली की डेडिकेशन है इसी की वजह से ये होता है जो कर पाते हैं। फहद आपसे मेरा सवाल इसी तरह वाले से है कि आप भी माशाल्लाह हमारे दूसरे दोस्तों की तरह पूरी अपनी फैमिली के साथ और फुल डेडिकेशन के साथ आप इन्वॉल्व रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, आपने बैक स्टेज पे ज्यादातर काम किया, आप फ्रंट पे नहीं आए लेकिन बहुत जरूरी होता है कि बैक स्टेज पे आपको हर चीज लाइनअप हुई भी हो फूड से लेकर फ्रंट डेस्क तक और सब चीजें और आपके हर जगह पे कंट्रीब्यूशन रहिए, तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज थी जितने आपको मोटिवेट किया और आप इस काम में इन्वॉल्व हुए? थैंक यू। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस मोटिवेशन का फैक्टर रही हैं लेकिन उसमें से कुछ जो मेजर चीजें हैं वो ये है कि एक तो पाकिस्तान से बाहर आके इस चीज का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता है कि पाकिस्तान हमारे लिए इतनी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम। बिल्कुल। और फिर ये इतनी बड़ी नेमत हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमें दी और उसको याद करके या पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए या पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए अगर हम कुछ कर सकें तो वो हमारी खुशनसीबी होती है। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था हमारे लिए। दूसरा ये कि आप लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, पूरी फैमिली जो है इंगेज हो जाती है और क्योंकि हमारा कॉज सबका एक है तो हम सब बहुत मोटिवेट होते हैं काम करके। माशाल्लाह आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों की इतनी अच्छी प्लानिंग होती है कि सब बहुत मोटिवेट रहते हैं। मैं एक आउट ऑफ द क्वेश्चन वो जो है क्वेश्चन करना चाहूंगी जो मैं आज बार बार कर रही हूँ सबसे कर रही हूँ, आप कवल की कितनी हेल्प करते रहे हैं उनकी होस्टिंग के लिए? कभी आपने उनकी प्रिपरेशन कराई? कभी ऐसा हुआ कि कवल रात को लेटे लेटे अचानक से स्क्रिप्ट पढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि क्या हो रहा है और वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कभी ऐसा हुआ? हम लोग क्योंकि हम सब पूरी फैमिली बहुत ज्यादा एंगेज होती थी तो हम अक्सर ऐसे करते थे कि बिफोर द इवेंट हम उसकी रिहर्सल करते थे और फिर हम कमल को किसी खाई चीज हम उनको किसी भी ऊंची जगह पे खड़ा करके थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग होती थी हम कहते थे कि आपने फोकस करना है और उनके सामने हम सब बैठ के उठ पटाने करते थे। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे कि आपके सामने जो ऑडियंस होगी आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी लेकिन आपने फोकस रखना तो हम ये सारे अब मुझे मेरे माइंड में आ रहा है कि अजलान क्या कर रहा होगा। जबरदस्त, बहुत ये मैं कहती हूँ बेसिकली जैसे टीम एफर्ट होती है इवेंट के लिए इसी तरह से जब आप एज अ कंपेयर आ रही हैं या आप अपने उसमें फील्ड में काम करें तो ये एज अ आपकी फैमिली जो सपोर्ट होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। फैमिली की सपोर्ट होती है तो आप और आगे निकलते हैं और एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर हम सबके लिए है कि
माशाल्लाह हम सब जितनी एफर्ट करते हैं उसके बाद जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती है हम उसको किसी अच्छी रिप्यूटेड चैरिटी के लिए बहुत अच्छी बात है आपने ये बिल्कुल सही बात की। मैं नाज़िम के साथ शेयर करना चाहूंगा ये जो बात मैंने पॉइंट की है कि बेसिकली मेरी पहचान पाकिस्तान का शुरू से ही एक दो मकसद रहे हैं, तो एक मकसद में बच्चों को इन्वॉल्व करना, पाकिस्तान की मोहब्बत और एजुकेट करना, और दूसरा एस्पेक्ट ये कि इस प्रोग्राम से जो भी अर्निंग होती है वो हम किसी न किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया फाज थैंक यू। अच्छा जनाब सारा अशरफ 2018 MPP का स्टेज होस्टिंग क्या आता है माइंड में आपके? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, स्पेशली जब आपने हमें जो है वैसे तो पिछले तीनों इवेंट्स में हम इन्वॉल्व रहे आपके साथ, लेकिन और आपकी जो काम की नौयत थी या आपका जो कहना चाहिए रोल था वो चेंज हुआ है, मैं यही सोचना चाहती हूँ जर्नी आपकी क्या थी एक एंड से दूसरे एंड तक की। तो जब हमने जब पहले साल जब फर्स्ट एमपीपी हुआ था 2016 में, और इत्तेफाक से वो हमारा भी सिडनी में पहला साल था, और हम जब पाकिस्तान से आए थे और ऑस्ट्रेलिया में, तो फर्स्ट ईयर वैसे ही बैक ऑफ द माइंड पे वो पाकिस्तान की जश्न आजादी की सेलिब्रेशन थी, तो बड़ा ही अमेजिंग हमें ये लगा कि ऐसी ही सेलिब्रेशन हम यहाँ भी कर सकते हैं। और एमपीपी के प्लेटफॉर्म पे जब आपने रीच आउट किया तो हमने फिर हम प्लानिंग में और इनिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। शुरू के दो साल ये काम किया, और फिर जब थर्ड ईयर हमें होस्टिंग के लिए आपने रीच आउट किया था, तो अशरफ बताएंगे कि उनका क्या रिएक्शन था। मेरे लिए ऑब्वियसली इट वाज अ प्रिविलेज, मैं और यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह से करना इटसेल्फ एक जो है ऑनर की बात थी, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। और क्योंकि वही बात जो कवल और फाद भाई ने भी की थी कि इतना वेल ऑर्गेनाइज वेल प्लान इवेंट होता है और आप उसमें आकर अपनी एफर्ट्स लगाएं तो यू सी दैट बीइंग यू नो फ्रूटफुल, तो वो बहुत अच्छा हमें हमारे लिए रहा। मैंने बहुत इंजॉय किया इनिशियली स्टेज पे आके, वो जो एक होता है कि क्योंकि मुझे याद है 2018 में जब आपका इवेंट होता वो दैट वॉज द बिगेस्ट वन, ऑडियंस भी काफी ज्यादा थी और इतना इट वॉज टास्क इन इट्स ओन, और फिर उसको आके उसको ही हमें होस्ट करना था, और फर्स्ट टाइम मतलब लोग हमारा चेहरा देखने वाले थे यहाँ पे, जो लोग हमें जानते थे उन्हें पता चला था कि हम होस्ट करें, तो एक एडिड प्रेशर भी था लेकिन इंजॉय भी किया और बहुत मजा आया। हमने किस तरह से उसकी तैयारी की, क्योंकि उस जब इवेंट हो रहा था उसके कुछ ही 10-15 दिन के बाद हमारी पाकिस्तान का ट्रिप भी था, और हम 3 साल बाद वापस जा रहे थे, तो हमें उसकी भी तैयारियां करनी थी और आपको तो जो लोग हैं वो रोज तक करते थे कि स्क्रिप्ट तैयार हुआ अब तैयार रिहर्सल करा और आइए बैठिए ये करें ग्रीन कुर्ता खरीदा और जो एक एपिसोड था कि ग्रीन कुर्ता चाहिए, और मुझे याद है कि अशरफ जो है बात करते थे कि भाभी क्या व्हाइट चलेगा क्या ब्लैक चलेगा, मुझे अच्छी तरह से याद है, आप बताइए अशरफ। मेरे लिए 2018 का वो इवेंट समथिंग दैट जो मैं शायद कभी भी नहीं भूल सकता, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी होस्टिंग नहीं की, आई हैव नेवर बीन अ स्टेज परफॉर्मर, और मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, और आज तक मुझे वो जुमला याद है खवातीन और हजरा 6 बज चुके क्योंकि मुझे पता था कि उस जुमले से पूरे शो का फ्लो कनेक्टेड है, और उस जुमले को मैं थ्रू आउट ड्राइव करते हुए दोहराता आया हूँ कि यहाँ से मुझे शुरू करना है अपना मोमेंटो, और काफी डरा हुआ था मैं और बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस था, लेकिन आई वुड से मैनेजमेंट की सपोर्ट, ऑडियंस का जो रिएक्शन था उसके बाद शो के बाद पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह ने इज्जत रखी, बड़े अच्छे से वो शो हुआ और सब अच्छा रहा। अच्छा एक चीज आउट ऑफ द बुक में फिर पूछूंगी क्वेश्चन कि आप ये बताएं कि ये जो सफर था आपका कि आप फ्रंट उसमें से डेस्क से लेके आप स्टेज पे आ गए, अब आपको ये नहीं पता कि जो ऑडियंस वाली फीलिंग है वो क्या होती है, तो जब आपने एमपीपी का इसका मतलब है आपने एमपीपी का कोई शो उस वक्त अटेंड नहीं किया हुआ जी, बिल्कुल, तो ये क्या आपकी फीलिंग, क्योंकि एक दफा आप जिक्र भी कर रहे थे कि इट्स रियली डिफरेंट फीलिंग कि हम लोग वहां थे अब यहाँ आए और बीच में हमें जो बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि शुरू के 2 साल जो हमने काम किया हम लोग बिल्कुल फ्रंट पे थे, तो उस दौरान उन 2 सालों में हमने शो को भी नहीं देख पाए और ऑडियंस के साथ भी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा,
तो वो एक चीज थी जिसको लेके मैं काफी कंसर्न था कि ऑडियंस का रिएक्शन एग्जैक्टली आएगा क्या, किस तरीके से होता है, क्या चीजें हैं. लेकिन एक चीज जिस पर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था वो ये था कि आप लोगों का कंटेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, कुछ जो कि ऑडियंस पसंद करती है, बार बार आती है, देखती है, उसे एंजॉय करती है. बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं उसमें, कैरेक्टर परेड, एवरीथिंग. बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. मैंने और भी शोज अटेंड किए हैं और वो हर जगह मुझे नहीं मिली देखने के लिए. तो वही बात है कि हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारे मुल्क के बारे में पता है, लेकिन हमारे बच्चे जो यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं या जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको बहुत सारी चीजें, हो सकता है कुछ लोगों को कुछ भी ना पता हो कुछ बच्चों को, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स और इवेंट्स जो है उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है. बिल्कुल. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था जो एमपीपी के प्लेटफॉर्म से यहाँ की फैमिलीज को एक रिफ्रेशर मिला और यहाँ के बच्चों को जो नॉलेज मिली. बहुत अच्छी बात. ये बात आप सुनूंगी कि आपने कहा ना कि हमने शो नहीं देखा था, तो द ओनली पार्ट जो हमने देखा था और एंजॉय किया था वो था जब ड्रामा एंड में प्ले हुआ था और हम दोनों जो है वो स्टेज से उतर के आके ऑडियंस में बैठे, तो वो 5-10 मिनट का जो सेशन था उसमें मैंने एंजॉय किया और मुझे लगा कि ओके ये तो बहुत ही अमेजिंग शो है जो हम पिछले 2 सालों से और इस साल भी हमने देखा नहीं है. तो बहुत ही वो अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा जो बात की, बहुत मेहनत होती है और हकीकत में ये मेहनत हम सब लोगों की, जिन लोगों से आप आज इस प्रोग्राम में मिलेंगे, हर एक की मेहनत होती है. कम से कम 2-3 महीने लगते हैं इस एक शो को. जी, बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि मेहनत ही एक ऐसी चीज है जिससे कि आप अच्छी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा ये है कि हमें क्वालिटी का प्रोग्राम लोगों के सामने लेकर आए. तो बहुत शुक्रिया इस बात को अप्रिशिएट करने का. बिल्कुल. मैं सॉरी यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि I want to thank both of you. आप लोग, हम लोग definitely मेहनत करते हैं, पूरी टीम मेहनत करती है, it's a team effort. लेकिन आप लोग का initiative और आप लोग की dedication और जो passion है PP के लिए वो एक बहुत बड़ा role play करता है इस event की possibility. It's a driving force जो आप सबको लेके चलते हैं. सारे लोग अपना अपना एक रोल प्ले करते हैं लेकिन आप सबको लेके और सारे रोल्स लेके चलते हैं. Thank you very much for your kind words. जी बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने बिल्कुल सही बात की और अप्रिशिएट किया. इरम, आपसे मेरा ये सवाल है जी, जी, कि जी. आप तमाम प्रोडक्शन और बैक स्टेज वर्क करती रही हैं, लेकिन एक इवेंट में आपने होस्टिंग भी की है. जी जी जी. ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से आपको जी वो होस्टिंग कम और क्रैश लैंडिंग ज्यादा थी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम से कुछ देर पहले ही, टाइम पहले ही जो है हमारी जो फीमेल को होस्ट थी वो बीमार हो गई थी और कवर भी उस वक्त जो है अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्कुल लास्ट मोमेंट था, शॉर्ट नोटिस था. तो बस मैंने फिर कंपेयरिंग के लिए अपने आप को पेश कर दिया. मैंने कहा ठीक है, करना है तो फिर करना है. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की, अच्छा किया. लेकिन इट वॉज कैसा रहा माशाल्लाह मेरा देखा माशाल्लाह. लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो था ना वो ये था कि उस पूरे प्रोग्राम की जो बैक एंड था ना उस पे मुझे जो है ना बैक स्टेज वर्क बहुत शदीद था. और वो वाला इवेंट था कि जिसमें बच्चे हमारे पास कैटेगरी के बहुत ज़्यादा थे जी. और वो सब मैनेज करना और साथ साथ जो है कंपेयरिंग करना, तो बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज लाइक बहुत अच्छा रहा. अल्लाह का शुक्र है लाख लाख जी. और आपकी सपोर्ट रही इंशाल्लाह. इंशाल्लाह जी बहुत अच्छा रहा ये और आइंदा भी हम अच्छा करते रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. अब इसी के साथ हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं. एक छोटा सा गेम खेलते हैं. गेम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं के पाकिस्तान के जो शहर हैं, मुख्तलिफ शहर, हाँ, उन शहरों का नामों को ज़हन में रखिए. हर तरह के शहर, कराची से लेकर पिशावर के यानी केपी के तक उनके नाम होंगे. और हम ये करेंगे कि हम आपके कान के ऊपर ये हेडफोन लगाएंगे जी, जिसमें प्ले हो रहा होगा पाकिस्तान का नेशनल एंथम, ताकि आप हमारी आवाज़ ना सुन सकें. और आपने एक पर्ची निकाल ली है, वो पर्ची आपने मुझे देनी है. आपने नहीं खोलनी है वो पर्ची. मैं उसमें से रीड करूंगा जी उस सिटी का नाम और आपने इस लाउड म्यूजिक के साथ कान पे लगा के मेरे लिप रीडिंग से गेस करना है कि वो निक गौर है क्या रहा है. ठीक है जी, चलें कहां से शुरू करते हैं. चलें अशरफ से शुरू करते हैं. अशरफ, मैं इसलिए इनको खास तौर पे समझा रहा था. ओके जी. तो पहले तो मैं इनको म्यूजिक सुना दूं पाकिस्तान का नेशनल एंथम. बिस्मिल्लाह पढ़ के निकालिएगा जी. इसमें आवाज आ रही है, देखा आ रही आवाज. ठीक है, ठीक है. आपका नाम क्या है?
अच्छा एक बजे निकाल के देते जी बिल्कुल ठीक. कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ. कर ले वैसे आपने अपने दोस्तों की मदद की है पहले भी. जी पाकिस्तान का एक शहर मियां चन्नू. मियां चन्नू. इट्स वेरी इजी. पहले मैं और ज्यादा क्लियर टेस्ट करता हूँ. मियां चन्नू. I don't see any luck. ये कोई मियां चन्नू सर ये कोई शहर भी है. ऐसा ना कहें. ऐसा ना कहें अगर आपको बढ़ानी पड़ेगी. इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी. सॉरी लेकिन मैं बोलूंगी सारा पता चल जाए. अब ये मुझे भी पढ़ना आता नहीं है. कौन सा वाला है? अच्छा मीरपुर माथेलो. मीरपुर माथेलो. मीरपुर समथिंग. मीरपुर माथेलो. मीरपुर माथेलो. जितनी जितनी बहुत क्लोज. सीरियसली मीरपुर माथेलो. मीरपुर माथेलो. वेरी नाइस. इनका एक शहर है. लाइए जी अब आगे हम लेके चलते हैं. जी यहाँ पर खत्म हो रहा है जनाब. आवाज आ रही है? आपका नाम? अच्छा टोबर टेक सिंह. टोबर टेक सिंह. टोबर टेक सिंह. ओह यस यस. जी फहद भाई के पास ट्रांसफर करना था कुछ. जी चलिए देखते हैं आपके पास कौन सा शहर का नाम आया है. और जनाब डेरा गाजी खान. इट्स सो इजी. डेरा गाजी नहीं ये हेल्प कर रहे हैं आप. खान. अगेन अगेन लास्ट है. डेरा गाजी खान. डेरा गाजी खान. चले बेहतरीन जी बेहतरीन. अशरफ. ऐसी थोड़ी जल्दी जनाब. आप मैं करूं? चले शायद लकी. ऐसे ही नाम आते हैं मेरे पास. और सब ठीक है? सब ठीक है. ऐसी सही आवाज आ रही है? मीरपुर खास. मीरपुर खास. या ही इज लिसनिंग. आई एम टेलिंग यू. नहीं लगा भी हो सकता. चलिए दिस मीरपुर इज वेरी. मीरपुर मथेलो. मीरपुर खास. हम ट्रिक भी नहीं कर रहे ना. हम तो शराफत से बता रहे हैं. मैं पूछूं? नहीं मेरे सब सही हो जाते हैं. आप नहीं बोल सकती लाला मूसा. दैट्स अमेजिंग. दैट्स अमेजिंग. गुड गुड गुड. अच्छा जी आप जब तक पर्ची निकालें. मोहिंजो डारो. मोहिंजो डारो. इट्स सो इजी भाई. बहुत इंटेलिजेंट है हम सब लोग. नहीं आपको बताऊंगी मैं फिर आप कहेंगे कि सो सॉरी. आगे नहीं करूंगा इसे. जी जनाब रहीम यार खान. दोबारा रहीम यार खान. खान ही आते हैं. दोबारा रहीम यार खान. रहीम यार खान. अच्छा लास्ट है.
लेकिन अच्छा इधर से कर लेते हैं, ऐसे ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि पास है ना अभी। चलिए एक और टर्न शेखोपुरा। नहीं मैंने मॉर्निंग शो देखी थी। शेखोपुरा लास्ट टाइम करती हूँ। शेखोपुरा चुन्नू। शेखू शेखू शेखोपुरा। ये शेखू ऐसे कुछ समझ रहा मैंने तो ऐसे कर दिया। शेखू दोबारा डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान। अगली दफा मैं कहने लगी थी स्माइल। अच्छा नहीं सॉरी सही जी जनाब रेडी हैं? देख लिया आपने? नहीं नहीं दिखा। ओह नहीं नहीं बहुत मुश्किल है। टंडो मोहम्मद खान। टंडो मोहम्मद खान ठीक है। अच्छा यू कैन हियर राइट बताएं जी। नहीं नहीं दिक्कत नहीं कर रहे। अच्छा सारा की रह गई बस लास्ट टर्न है। ये बात मैंने सुने हैं वो पहला वाला ही है ना बोले। जितना बोल रहे हैं मुश्किल बना रहे हैं आपको। नहीं वो मेरा lack of knowledge है obviously then जी। अभी आप आपसे घर पर पूछा जाएगा मियां चुगलू नहीं बनाओ। जी ना वाह कैंडल। दोबारा बोले वाह कैंडल। ये म्यूजिक एंड हो रहा है। नहीं नहीं, नहीं? वाह कैंडल। दोबारा कह सकते हैं वाह वाह और आप लोगों का स्पेशली थैंक्स कि आप लोग अपने इतने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आज 14 अगस्त का दिन हमारे साथ सेलिब्रेट किया आप लोगों ने। हालांकि ये बहुत डिफरेंट है जी हाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी है इस साल भी इतने मुश्किल हालात में भी आपने सबको इकट्ठा किया कोशिश करी और बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल कोशिश की और आप जैसे हमारे दोस्तों ने हमारा साथ दिया और आप लोग इस प्रोग्राम में आए हमारी हमारी हौसला अफजाई हुई फिर और हमारा साथ देते रहे हमारा साथ देते रहे हमने किया और इंशाल्लाह आगे भी जो बिल्कुल बिल्कुल आप दुआओं की सूरत में होता है सपोर्ट की सूरत में होता है हर तरह से होता है तो हमारे छोटे से इनाम इनके साथ जाएंगे आपके लिए कुछ छोटे से मेरी पहचान पाकिस्तान की तरफ से है कुछ गिफ्ट हैंपर हैं आपके साथ जाएंगे। मेरी पहचान पाकिस्तान पहचान है उन लोगों की जो वतन से दूर होने के बावजूद भी अपने और अपने बच्चों के दिलों में पाकिस्तान से मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों के साथ आज हम यहाँ मौजूद हैं। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेहर अतीक बीनिश रिजवान जो कि मदर्स हैं और इनके बच्चे गुज़श्ता सालों में पाकिस्तान के लिए कैरेक्टर परेड में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। किसी भी इवेंट की कामयाबी के लिए उसकी टीम और पार्टिसिपेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन बहुत अहमियत रखती है और ये काम हमारी वॉलंटियर साइमा जजूर ने बहुत अच्छे तरीके से किया। वेलकम जी। पाकिस्तान की बात हो और पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए काम हो और रक्षंदा जबान का नाम ना हो ये हो नहीं सकता। वेलकम रक्षंदा। मेरी पहचान पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है कैरेक्टर प्रेम जिसके लिए मेरी पहचान पाकिस्तान की टीम दिन रात मेहनत करती है और पाकिस्तानी लेजेंड्स को बच्चों की शक्ल में रिक्रिएट करती है। हमारी टीम हर एक करेक्टर के मुनासिबत से साउंडट्रैक तैयार करती है जो 30 सेकंड में उस बच्चे को उस करेक्टर को प्रेजेंट करने में ऑन द स्टेज हेल्प करता है और हमारी ये कोशिशें उस वक्त मुकम्मल हो जाती हैं जब डिवोटेड पेरेंट्स हमारे साथ उस करेक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं और गेटअप को तैयार करते हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं।
जी जनाब, मेरे साथ मौजूद है मेहर अतीक दिनेश रिजवान. मेहर, मेरा आपसे सवाल है कि वतन से इतना दूर होने के बावजूद भी किस तरह से आप अपने बच्चों में पाकिस्तान से मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप उनको उर्दू से करीब रखें तो वो पाकिस्तान से करीब रहेंगे, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा आपके कम्युनिटी से आपको जोड़ के रखती है और आपके कल्चर से भी बच्चे जुड़े रहते हैं जब वो आपकी, क्योंकि जब हमने जब भी पाकिस्तान जाना है कुछ भी है तो अगर वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं तो उनको झिझक नहीं होगी, नहीं होगी. तो सबसे पहले तो घर में बच्चों को उर्दू बोलें, उनके साथ कोशिश करें, उनको टोकें अगर वो इंग्लिश में बात करते हैं, जो कि बच्चों की बहुत कोशिश होती है. दूसरा ये कि अगर हो सके तो हर साल या एक साल बाद उनको पाकिस्तान जरूर लेके जाए, ननियाल ददियाल से बच्चे मिले, उनकी फ्रैंकनेस रहे, उनकी क्लोजनेस रहे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है. जी, ओके ओके. दिनेश, आप हमारे साथ मेरी पहचान पाकिस्तान में रही हैं और आपके बच्चे माशाल्लाह से पार्टिसिपेट करते रहे, गालिबन इमरान खान बने थे, अली जफर बने थे, जुनेद जमशेद बने थे, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े इस गेटअप को अरेंज करने के लिए? मेरा पहली पहचान पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस. मेरे बेटे कौलन मोहम्मद, वो इमरान खान बने थे, जुनेद जमशेद बने थे और अली जफर बने थे, थ्री कंसेक्यूटिव. तो जब वो इमरान खान बने थे तो वो 6 साल के थे, काफी छोटे थे, तो उनको मैं इमरान खान का कैडेट दिया गया था. तो बहुत अच्छा रहा, मैंने सर्च किया कि किस तरह इमरान खान, माशाल्लाह उन्होंने पटका भी लिया था इमरान खान की तरह, बिल्कुल. और जो व्हाइट शर्ट, तो आपने वो पटका कैसे अरेंज किया? वो सर उनका जो कुर्ता था वो तो घर से घर पे उनके पास था, लेकिन जो पटका था वो फ्रेंड से रुजू किया, तो दुपट्टे वगैरह छोटे छोटे से निकल आए थे. और जब अली जफर का कैरेक्टर किया तो फिर उनके लिए प्रॉम्प्ट था कि ग्लासेस होने चाहिए और माइक होना चाहिए. आई स्टिल रिमेंबर, काफी लाइवली सा परफॉर्म करते हैं, ही वाज सो मच एनर्जेटिक ऑन स्टेज, लाइवली से है, तो वो अच्छा रहा उनके लिए. और तब तक वो एक्सपीरियंस भी हो गए थे, ऑडियंस को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस भी आ गया था, माशाल्लाह काफी अच्छा रहा और बिल्कुल बच्चे ने भी एंजॉय किया करते हुए. बिल्कुल माशाल्लाह, ये पेरेंट्स हैं हमारे डिवोटेड जो वाकई में हमारे साथ मदद करते हैं हमारे उस कैरेक्टर को रिक्रिएट करने में, तो आई रियली थैंक यू. इसाइमा, आप हमारे प्रोग्राम के साथ शुरू से इन्वॉल्व रही हैं, आपने बैकस्टेज भी काम किया है, आपके क्या व्यूज हैं हमारे मेरी पहचान पाकिस्तान के हवाले से? शुरू में बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम सुना मुझे प्रोग्राम के बारे में, तो आई थिंक बीइंग एज अ टिपिकल मदर मेरी अट्रैक्शन यही थी कि जो हम लोग खुद पाकिस्तान से अपने बच्चों को एसोसिएट कर होता है कि उनको पार्टिसिपेट करें या वो जाके एक रब्ता रहे, लिंक बना रहे. एग्जैक्टली, तो आप लोगों तक पहुंचना आतिफ भाई और इरम तक पहुंचना, लेकिन मूविंग ऑन टू दैट, जो मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन थी वो ये था एनवायरनमेंट, इट वाज वेरी फ्रेंडली, बिल्कुल आप एक घर वाला थी. और दूसरा ये था कि इसका सारा जो फोकस था वो बिल्कुल हमारे बच्चों पे था, बिल्कुल. सो ऑब्वियसली यंग जनरेशन जो कि पाकिस्तान से बाहर और दूर, तो दैट वाज माय मेन बिग अट्रैक्शन. बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आप लोगों की हेल्प से सब कुछ होता है. रशिदा, आप माशाल्लाह इन्वॉल्व भी रही हैं कम्युनिटी में, काफी काम करती रहती हैं इस हवाले से, तो क्या स्कूल में बचपन में कभी आपने इस तरह की कोई परफॉर्मेंसेस वगैरह की हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना किए. बल्कि स्कूल स्टार्ट करने से पहले भी मेरी अम्मी टीचर थी और मैं उनके साथ जाती थी, और 14 अगस्त जो है वो बाई चांस ही ऐसा होता था कि अपने स्कूल का भी, अम्मी के स्कूल का भी, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट करना बल्कि बहुत जो है ना वो भरपूर तरीके से लोगों को कन्विंस भी करना कि और वही अभी आपने कंटिन्यू भी कर किया है यार, बच्चों में भी वही चीज. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हम जो परदेश में रहते हैं और अपने उन बच्चों का वो लिंक बना के रखें, क्योंकि हमारी एक जो इमोशनल अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ वो ट्रांसफर होनी चाहिए हमारी बच्चों की, हम सबकी आइडेंटिटी यही है. बिल्कुल, ये कि नेगेटिव चीजें तो बच्चे सुनते रहते हैं, न्यूज चैनल्स भरे पड़े होते हैं, लेकिन आपको बच्चों को वो पॉजिटिव बतानी है जो हमारी हिस्ट्री है कि हम कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँचे हैं. तो पाकिस्तान एक सिर्फ एक मुल्क नहीं है, वो किस तरह से हमने हासिल किया है वो बच्चों को बताना बहुत जरूरी है. अच्छा मेहर, आप मुझे बताएं, आपके बच्चे माशाल्लाह से हमारे साथ 3 सालों से ही कैरेक्टर ब्रेक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
और डिफरेंट कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अलन फकीर, आरिफ लोहार, अताउल्लाह खान, ईसा खिलवी, राशिद मिनास, देखिए माशाल्लाह. तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, कौन से कैरेक्टर ऐसा था जो सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगा उसका गेटअप अरेंज करने के लिए? एक्चुअली मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत मजा आया. स्पेशली जो है उनके जो प्रोटोटाइप्स बनाने का, हारमोनियम का और जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट था अलन फकीर का, बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत कलरफुल चीजें और वो सब हर जगह से जाके शॉप से ढूंढना, दोस्तों को कॉल्स करना सबको कि ये है इस तरह. लेकिन जो मुझे देखने में सबसे सिंपल आई थिंक ड्रेसअप था राशिद मिनाज शहीद का, लेकिन वो मुझे सबसे टफ लगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मुझे याद है. मैं आपको यहाँ ऐड करूंगी कि मैं शायद थोड़ी उस वक्त थी कि हमारा जो जो गेटअप है वो ब्लू होना चाहिए, देन हम लोग इस नतीजे पहुंचे कि नहीं उस फेज में जो है उस जमाने में जो है खाकी होता था पिक्चर. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि डिवोटेड पेरेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा ये जो शो है बच्चों के स्पेशली जो करेक्टर क्रिएट है वो इतना सक्सेसफुल होता है. व्हाइट गर्ल्स यूनिफॉर्म लाके उसको डाई बहुत खूब एंजॉय किया. सर आपका कोई फेवरेट सेगमेंट हमारे इस शो का, मेरी पहचान पाकिस्तान का जो इवेंट होता है उसका? आई थिंक ड्रामा मेरा सबसे ज्यादा मुझे मतलब थी. ऑब्वियसली उसमें जो हम लोगों की पार्टिसिपेट, इट वाज नॉट जस्ट अ ड्रामा ऑन द स्टेज, इट वाज लाइक अ फुली डिवोटेड पेरेंट्स टीम, बच्चे, उनकी प्रैक्टिस, उनकी रिसर्च. आई स्टिल रिमेम्बर कि आपने यूनिफॉर्म अरेंज किए थे. जी बिल्कुल, और वो इतना इंटरेस्टिंग मेरे लिए घर में उसने बिल्कुल एक नया टॉपिक ओपन कर दिया था, क्योंकि गोइंग बैक टू माई ओन एरा कि जो हम लोग स्कूल जाते थे तो व्हाइट यूनिफॉर्म और उसकी बिल्कुल, तो उस वो एक चीज थी. एंड ऑब्वियसली मेरी बेटी उसमें बड़ी के ओ मैं मम्मा की तरह वाला यूनिफॉर्म, तो वो भी एक चीज थी ऑब्वियसली. और बच्चों का उस कैरेक्टर को सिर्फ कहने को तो ड्रामे का कैरेक्टर, लेकिन उसको समझने के लिए गोइंग बैक, आजकल के बच्चे जिस तरह के हैं गोइंग ऑन द गूगल एंड वो बात है हिस्ट्री को, अच्छा वो खुद से फिर रिसर्च करने लग जाते हैं कि अच्छा ये ड्रामा परफॉर्म करे तो क्या हिस्ट्री कर सकेंगे. तो वो एक बहुत ही मुझे लगा एक मोर लाइक एक एज अ चेन इफेक्ट किया कि उन्हें बहुत कुछ लर्निंग जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की. अच्छा मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी, वो मेरे पास नहीं, आउट ऑफ द बुक आया है. जो आउट ऑफ द बुक आया है, आप मुझे बताएं कि आप मेरी पहचान पाकिस्तान किस तरह से आपको मिला, या आपको कैसे डिस्कवर हुआ कि अच्छा मेरी पहचान पाकिस्तान इज डूइंग समथिंग, बिकॉज आप कम्युनिटी वर्क में पहले ही इतनी इन्वॉल्व रही है, तो वाई मेरी पहचान पाकिस्तान, क्यों आप इस तरफ आई? इसलिए आई कि जिस किस्म का मुनफरिद ये प्रोग्राम था, हैट्स ऑफ टू यू गाइस. मैंने सिडनी में ऐसा ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम नहीं देखा था. आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. थैंक यू. और मुझे लगा कि नहीं, किसी ना किसी तरीके से मुझे जो है इसका पार्ट बनना है, चाहे मैं कहीं और कर रही हूँ, लेकिन आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वन. दैट्स रियली नाइस. यही आपका पैशन है जो मेरा पैशन है, आप ये समझे. बचपन से ही ये था कि जैसे ईद पे लोग कपड़े बनाते हैं, मेरा 14 अगस्त और 6 सितंबर का भी बनाते हैं स्पेशल कपड़े. तो ये एक बचपन से मेरे अंदर एक चीज है जो कि अभी तक है. चलिए अच्छी बात है. अच्छा अभी एक छोटा सा गेम हो जाए इन लोगों के साथ, बिल्कुल क्विकली, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ये देती हूँ और आप लोग अपनी अपनी चिट्स उठा लें, लेकिन जिससे मैं कॉपी अभी खोली नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाइए. जी तो पहले किससे शुरू करते हैं? उस साइड से शुरू करते हैं. जी जनाब रक्षन दा, आप पहले अपनी ओपन. नहीं नहीं अभी ओपन नहीं करेंगे. नहीं कर सकती हूँ ना मैं. यादगार मोमेंट ऑफ एमपी. ओह ओके दैट्स गुड. ओके सारे यादगार हैं. आई वुड से कि वो जो एक पहली दफा जो फीलिंग थी ना, जो कैरेक्टर परेड और जो क्वालिटी और बच्चों ने जो जान डाली थी उसमें, वो देख के आंखों में आंसू आ गए. आप लोगों की सबकी मेहनत होती है बेसिकली, बिल्कुल ये पेरेंट्स की होती है. और मुझे पता है कि मैं कितनी हार्श भी हो जाती हूँ एट टाइम्स, बट वो करना पड़ता है. वो जब होते हैं ना तो जैसे हमारे पर भी प्रेशर आता है स्कूल का, तो हम बच्चों को और अच्छा काम करवाते हैं. तो इट्स लाइक दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. जी सायमा भाई माइक. चौथा
अगस्त की मुनासिबत से शेर। अच्छा चलो स्विच कर लेते हैं। मेरे ख्याल से शेर तो ढेर सारे वही होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई और वॉलंटियरली कोई आपको सुनना चाहिए शेर। अपने बच्चे जिनके साथ कर रहे हैं। मेरे पास शायद है थ्री वर्ड्स फॉर मेरे अच्छा जी। आई थिंक फोकस ऑन यंग जनरेशन, वापस कनेक्शन बैक टू पाकिस्तान रिगार्डलेस ऑफ जहाँ भी है, और पैशन। जी मेहर आप बताइए। मेहर आपके पास मुझे लगता है वही आए फ्यू लाइंस ऑफ कौमी नगमा। जी मैं अगर स्टार्ट करूँ सब मेरा साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिल पाकिस्तान चले। दिल दिल पाकिस्तान जान जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान। जी दिनेश आप बताइए। अच्छा 14 अगस्त की मुनासिबत से शेर। अब माइक अपना पास कर लो। जी अलामा इकबाल का एक शेर सुना चाहती हूँ। अफराद के हाथ में है अक्वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। क्या बात है, माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस सेगमेंट में शामिल होने का, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम बिल्कुल, और मेरी पहचान पाकिस्तान की तरफ से इनके साथ गिफ्ट जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों के साथ एक हमारी तरफ से छोटे छोटे से गिफ्ट। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने फिर से मोहब्बत का इजहार किया अपने वतन से और हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। मेरी पहचान पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमारे बच्चे जो यहाँ रहते हैं उनको पाकिस्तान के हवाले से एजुकेट करें। एमपीपी स्पीच कंपटीशन के लिए हर साल हम एक उन्वान मुंतखब करते हैं और उस उन्वान के ऊपर बच्चे अपनी तकरीर प्रिपेयर करते हैं और एक ऑडिशन के मरहले से गुजरने के बाद वो स्टेज पर आकर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह क्विज कॉम्पिटिशन के लिए हम अपने बच्चों को एक बुकलेट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो क्विज की तैयारी करते हैं और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद वो बच्चे हमारे इवेंट में परफॉर्म करते हैं। आए मुलाकात करते हैं कुछ ऐसे ही बच्चों से जो कि हमारे इवेंट्स के विनर रहे हैं। मोहित रोहा वेलकम टू आवर शो। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है जनाब तारिक मिर्जा जो एक राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं। आपकी हमारे साथ इस प्रोग्राम के काफी सपोर्ट रही है और हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ इमरान राजपूत मौजूद हैं जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और क्विज कंपटीशन के पीछे एक जो सारा काम है वो ये परफॉर्म करते रहे। वेलकम इमरान। तारिक मिर्जा साहब आप हमारे स्पीच के कंपटीशन के जज रहे हैं 2-3 मरतबा और आपने इन बच्चों की परफॉर्मेंस को जज किया है, तो आपके क्या ख्याल है इन बच्चों के हवाले से जो यहाँ पे अपने पाकिस्तान के हवाले से टॉपिक पे तकरीर तैयार करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं, आपका क्या ख्याल है इनके बारे में, कैसा लग रहा है? मैं जब पहली दफा तकरीबन 3 साल पहले आपका एक प्रोग्राम पहली दफा मैंने जब अटेंड किया था तो मैं तवक्को नहीं रख रहा था या तवक्को नहीं कर रहा था कि सिडनी में इस तरह का प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम मैं तो अरसे से यहाँ रह रहा हूँ 25-30 साल तकरीबन होने वाले हैं और हमारे जो रवायती 14 अगस्त के प्रोग्राम होते थे वो कम्प्लीटली इससे डिफरेंट होते थे जिसमें बच्चों का तकरीबन कोई काम ही नहीं होता था, और इसी चीज़ का मैं हमेशा गिला भी करता रहा हूँ कॉलम में अपने मज़ामीन में, जहाँ जब मुझे मौका मिलता था मैं इस चीज़ का इज़हार भी करता रहा। लेकिन पहली दफ़ा इन बच्चों को मैंने परफॉर्म करते देखा तो मुझे लगा कि ये है प्रोग्राम जिसकी मुझे अरसे से तलाश थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो पैगाम है वो असल में अगली नस्ल तक पहुँचाना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नस्ल जो है वो तो उससे पहले से आशना है और ये काम आपने शुरू किया है जो जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नाइस कमेंट्स आपने हमारे लिए दिए, लेकिन ये आप लोगों की सबकी मदद से और गाइडेंस से ही हम लोग कर पाते हैं।
इमरान, आप हमारे प्रोग्राम के और हमारी इस टीम के साथ रहे हैं शुरू से, जब से हमने कॉन्सेप्ट से काम शुरू किया, और खास तौर पे सबसे जिम्मेदारी का जो काम था वो क्विज कंपटीशन। अगर हम कहें कि क्विज कंपटीशन की बैकबोन है तो वो है, तो वो गलत बात है, बिल्कुल सही है। और उसमें आपने एक बुकलेट तैयार करते हैं, उसके ऊपर टॉपिक सारे सेलेक्ट करना, उसको प्रिपेयर करना, फिर उसके बाद हम एक ऑडिशन करते हैं जिसमें हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उसमें स्क्रीनिंग करते हैं, वो भी आप मैनेज करते रहे हैं, फिर ऑन स्टेज जो बैक एंड पे आप स्कोरिंग करते रहे, तो ये सब प्रोडक्ट है, चैलेंजिंग काम नजर आता है, तो किस तरह से आप इसको परफॉर्म करते रहे और क्या आपको क्या फील रही है? बहुत शुक्रिया आपके कमेंट से। असल में मोटिवेशन उसके पीछे यही होती है जैसे मिर्जा साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान के बारे में जो हमारे जज्बात हैं वो अगली नस्ल तक पहुँचाए जाए। वही जब आपने आपसे डिस्कस हुआ, गाइडलाइन डिसाइड हुई, तो उसमें बुकलेट बनाने के पीछे जो है मेन मकसद यही था कि किस तरह जो पाकिस्तान की नॉलेज है जो डिफरेंट टॉपिक्स पे वो अगली नस्ल तक पहुँचाई जाए और इस बुकलेट को पढ़ के उनके अंदर नॉलेज आए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है, हम लोग यही मकसद है हमारा कि हम इन बच्चों को थोड़ा सा उनके साथ ये बातें शेयर की जाए, उनको एजुकेट किया जाए इस बात से। एंड आई थिंक हमारी एक थोड़ी सी कोशिश है, देखते हैं अब किस हद तक ये चलती है और कामयाब। बिल्कुल माशाल्लाह हमारे काफी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते रहे स्पीचेस में भी और क्विज में भी, काफी बच्चे जो इस वक्त आ नहीं सके जिनको हम बुलाना चाहते थे लेकिन वो कुछ मसरूफ थे। हमारे साथ 2018 के स्पीच के विनर मौजूद हैं मोहित, और मोहित आपको गालिबन उस दिन लैपटॉप भी मिला था एज अ राइट, आपने विन किया गया, तो हाउ वाज योर फीलिंग, तो आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। America, John, Pakistan, I haven't really participated much in it, but I've already learned so much. Before I participated in this event, I didn't really know much about Pakistan, and I didn't really know much about it. It's just something in the back of my mind. That's right. But as I participated more and I learned more things about my country, and I became more nationalistic, patriotic, and that's really I'd nice. Just like to thank the America, John, Pakistan team for helping me learn so much more about myself. So nice of you. If I'm not wrong, तो आप ड्रामे में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। Yes, I did. जी, तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत जबरदस्त। हम ऐसे ही बच्चों को हमेशा ढूंढते हैं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत तो रखते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमने इन बच्चों के लिए मेरी पहचान पाकिस्तान ने स्पीच कॉम्पिटिशन को इंग्लिश में ही रखा, ताकि मकसद है कि बच्चा जो है वो नॉलेज हासिल करे। और माशाल्लाह आपकी उर्दू भी इम्प्रूव हो रही है इसके साथ साथ, ठीक है। अच्छा, रोहा भी हमारे साथ मौजूद है। रोहा, आप 2018 की विनर है क्विज कॉम्पिटिशन की, ठीक है, आपकी टीम थी, उन्होंने विन किया था, और माशाल्लाह से आप लोग ने आई थिंक आईपैड विन किया था, टैबलेट विन किया था माशाल्लाह। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, कि स्कूल की बुक्स भी पढ़नी है और ये पाकिस्तान की बुकलेट भी आ गई है, ये भी पढ़नी है, तो हाउ लाइक आपने किस तरह से उसको जो है किस तरह से तैयारी की? It was very hard at first, but I had lots of content to do from school and from the booklet, but then I devised my time and divided from both the school and booklet, and yeah, worked out. That's right. Tariq saab, hum aapse एंड में कमेंट देना चाहेंगे, बेसिकली एक पैगाम अगर आप देना चाहें पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, या ये प्रोग्राम इंशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाएगा जहां जहां भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो उनको आप 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। वेल, आपने मौका दिया, इसका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पैगाम का तल्लक है, अभी हाल ही में ईद भी गुजरी है और अभी 14 अगस्त भी आ रहा है, तो इन दोनों की पहले तो पूरी आपकी टीम को और मैं आपके तवस्त से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सब तक मेरी मुबारक पहुंचे, और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है वो हमेशा तरक्की की मंजिलें तय करता रहे। पाकिस्तानी कम्युनिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने थोड़ा सा पहले भी जिक्र किया और इस दफा तो चूंकि 14 अगस्त के हवाले से आप भी वो फंक्शन नहीं कर सके क्योंकि कोविड-19 के हालात की वजह से, और बाकी तंजीमें भी नहीं कर सकी, लेकिन हमारा जज्बा सलामत है, इंशाल्लाह हालात बेहतर हुए तो अगले साल या उससे अगले साल जब भी मौका मिलेगा ये काम जरूर करेंगे। हम जहाँ जहाँ जिस सतह पर जो भी कर सकते हैं, देखें एक नई चीज अभी की इस दफा के वो आप प्रोग्राम नहीं कर सके, तो इस तरह का उस शक्ल में अपना एक पार्टिसिपेशन जो थी मेरी पहचान पाकिस्तान ने यहाँ पर भी डाल दिया है और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बच्चों को भी बुलाया है,
उनके फैमिली को भी बुलाया, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया, मुझे भी और बहुत सारे साथियों को। तो ये आपकी एफर्ट्स हैं, मैं आपको घर को देख रहा हूँ, घर का पूरा ऐसे लग रहा है, पूरा पाकिस्तान का जो जद्दा और वो सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत है और इसी जज्बे की असल में जरूरत है। जो जैसे आपके दिल में है, या आपकी वाइफ और आपकी टीम और सारी जो लोग भी काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ जो जो साथी हैं मेरे समेत, सबको इसी जज्बे का इजहार करना चाहिए और जिस सतह पर भी हो सके पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा करना चाहिए। अब बच्चों के हवाले से मैं थोड़ा सा फिर ये उसी पर करूँगा बात, के बच्चों को पाकिस्तान से इन टच रखना बहुत जरूरी है। और अभी मैं जब एक खातून पहले बात कर रही थी, मैं अंदर बैठा सुन रहा था, उर्दू के हवाले से मैं ये जरूर कहूँगा कि उर्दू जो है वो एक सोर्स है हमारी उस कल्चर तक पहुँचने के लिए, हमारी तहजीब व तमद्दुन तक पहुँचने के लिए, तो बच्चों को उर्दू जरूर सिखानी चाहिए। मैं अपना तजर्बा थोड़ा सा बयान कर देता हूँ कि मेरे तीन बच्चे हैं, जब वो इस्लामिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उनको उर्दू मैंने खुद घर में सिखाई थी, कुरान पाक मैंने घर में सिखाया था और उर्दू मैंने, तो मेरे तीनों बच्चे जो है वो उर्दू लिखना और पढ़ना जानते हैं। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, स्कूल की छुट्टियों में मैंने ये काम किया था। तो उसके जरिए से फिर उन्हीं किताबों के अंदर पाकिस्तान की चीजें भी थी, इस्लामियात की चीजें भी थी, हमारे तारीख, कल्चर, तहजीब व तमद्दन और हमारे जो मशहीर हैं और जो बड़े बड़े हीरोज हैं, कादरी आजम, मोहम्मद अली जलाल, अलामा इकबाल, और सारी चीजें उस उर्दू किताबों में मौजूद थी। तो बच्चों को ये पढ़ने का मौका मिला था, तो ये इस चीज पर कोशिश करनी चाहिए और जिस हद तक हो सके अपने बच्चों को। और फिर ये है कि पाकिस्तान के हवाले से एक पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि नेगेटिव चीजें तो खबरों में रेडियो टीवी आगे पीछे, लेकिन हमारे पॉजिटिव चीजें इतनी अच्छी हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाली जो कौम है वो पाकिस्तानी है, इससे बड़ी बात क्या होगी। इतनी अच्छी चीजें हैं पाकिस्तान के। मैं अभी कतर में गया था, तो मैंने कतर में अभी मेरी जो अगली किताब आ रही है उसमें मैंने उसका जिक्र भी किया था, उनके पास ना पहाड़ है, ना उनके पास जंगल है, ना उनके पास दरिया है, ना नदी है, ना नाले हैं, ना साफ पानी है, ना सब्जा है, ना मैदान है, ना फूल है, ना कुछ। अब पाकिस्तान देखें उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने कौन सी नेमत है जो हमें रखी, लेकिन हमारे अबाओ अजदाद जो वहाँ जिन्होंने कुर्बानियों से ये पाकिस्तान बनाया है, और वो वहाँ जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, उन आजादी के हीरोज को नहीं भूलना चाहिए, अपने अबाओ अजदाद को नहीं भूलना चाहिए जिनकी कब्रें वहां पर मौजूद है, हमारे अजीजों का कारक पाकिस्तान में मौजूद है। तो पाकिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है, हमें इंशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान जो है ना वो उसको साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने बहुत अच्छे कमेंट हमारे शेयर किए। यही जज्बा हमें अपने अंदर और अपने बच्चों तक ट्रांसफर करना है, ताकि हम बाहर रहते हुए भी अपने मुल्क की बहुत अच्छे तरीके से बनाए। और इनके साथ छोटे से गिफ्ट चाहिए मेरी पहचान पाकिस्तान की तरफ से, सही आपके लिए। थैंक यू, छोटा सा हमारी तरफ से अप्रिसिएशन, ये रोहा के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरी पहचान पाकिस्तान ने एक नई रीत डाली जिसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टेज प्ले के जरिए से पेश किया गया। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री को 1930 से लेकर 2008 के जलजले तक स्टेज ड्रामे की सूरत में पेश किया। आए आपको मिलवाते हैं ड्रामास के कुछ कैरेक्टर्स से जिन्होंने हमारे साथ मेरी पहचान पाकिस्तान के ड्रामों में पार्टिसिपेट किया। वेलकम एवरीवन। अनीस, आप हमारे प्रोग्राम जो मेरी पहचान पाकिस्तान का करते रहे उसमें ड्रामा का सेगमेंट बहुत खास रहा है, और आपने उसमें दो तीन कैरेक्टर्स डिफरेंट सालों में किए हैं, जैसे कि लियाकत अली खान का जन्म जयालक आपने परफॉर्म किया है, तो आपने क्या अपनी जिंदगी में इससे पहले भी कहीं कोई चीज इस तरह से परफॉर्म की है स्टेज पे? ड्रामे का तो मेरा ये फर्स्ट कला एक्सपीरियंस था। स्कूल में हम लोग जैसे स्कूल में दुआ होती है, लग जाती है, जी जी, तो वो उसका गाने का थोड़ा सा था। इसके अलावा मैं इंग्लिश में डायरेक्ट करता था। अच्छा, वेरी नाइस, गुड गुड। तो माशाल्लाह स्टेज का आपको अंदाजा था, लेकिन एक्टिंग आपने लेकिन माशाल्लाह आप लगते हैं जैसे बॉर्न एक्टर हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जो आप लोगों ने वही पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से आपने उसमें जो एफर्ट अपनी डाली, तो आप सभी लोग माशाल्लाह उसमें बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो पहले ये जियाउलक बने थे, पहले साल में आपका था लियाकत अली खान बने थे, जी जी जी, और उसके बाद फिर दूसरा कैरेक्टर।
नुमान आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आपने हमारे इसी तरह से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉर्म किए हैं. एक उसमें कैरेक्टर था जिसमें आप जनरल अयूब खान बने थे और स्टेज पर बैठ के आपने एक तकरीर भी की थी बड़ी धुआंधार जिसके बदले से पहले जंग हुई थी, उस तकरीर की बात हो रही है. वो जब रोल आप परफॉर्म कर रहे थे और जब जैसे हमारा जब ड्रामा शुरू होने वाला था और अनाउंसमेंट हो रही थी तो बैक स्टेज में आया था और मैंने आपसे वहाँ एक मेरी और आपकी मुलाकात हुई थी, वो क्या सिचुएशन थी, कोई इंटरेस्टिंग वाकया मेरे ख्याल में आपके? मुझे थोड़ा सा याद है कि ये मुझसे मुझे इन्होंने बैक स्टेज में कहा था कि आई नीड अ सीजर एंड आई वाज लाइक दिस कि मतलब व्हाई और आई डोंट नो अब बताएं क्या हुआ था. जी वो चूंकि उस कैरेक्टर के लिए मुझे मुझे चाहिए थी मुस्टाशेस चाहिए थी और जो अवेलेबल थी वो ज़रा बड़ी थी तो कैरेक्टर को मीट नहीं करी जी. तो आई वाज रनिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड कि एक सीजर्स मिल जाए तो मैं उसको छोटा कर लूं. जैसे अनाउंसमेंट हो रही थी यहां से मैं भाग रहा था तो दैट वाज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग टाइम. तो फिर आपने छोटी कर ली थी वो मुस्टाशेस हो गई थी मिल गया वेल लास्ट मोमेंट आपने उसे स्निप किया और बस ऑन स्टेज तो वो सही हो गई थी. लेकिन मेरे पास छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि वो मुझे इवन नहीं थी ऐसा कुछ होता था वो स्टेज पे पड़े तो उसमें मैंने क्योंकि जब बाद में हम लोग ड्रामा देख रहे थे तो मैंने ये नोट किया कि आप जो सीजर मांग रहे थे वो आपको मिली जल्दी में तो फिर आपकी वो मुझे जो है वो इवन नहीं रही थी. तो दैट वाज रियली मेरे लिए तो मैं तो इस चीज में मुझे बड़ा लाफ्टर हुआ था कि दैट्स रियली बहुत अच्छे तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था. और वो जो अय्यूब खान की तकरीर उन्होंने वो आपने याद की थी जो हाँ बिल्कुल आपने खैर में याद भी थी याद की थी क्योंकि आपका बिल्कुल लिप सिंक कर रहा था और उस कैरेक्टर में बिल्कुल आए हुए थे आप. उसमें रोब नजर आ रहा था उसके अंदर डिटरमिनेशन नजर आ रही थी. कुछ तो प्रैक्टिस की भी थी और बाकी ये है कि जब उस मौके पे खड़े हुए तो आई ट्राई टू फील कि अच्छा वो बंदा जो इस स्टेज पे होगा वो क्या सीन क्या चल रहा होगा. बिल्कुल बिल्कुल माइंड फ्रेम में आके तो बाकी फिर अच्छा मैंने भी जब वो देखा दोबारा तो आप जब स्पीच कर रहे थे और वो साइरन्स बजना शुरू हुए थे वॉर के तो मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे कि जो जोश होता है ना वो आ रहा था वो फील आ रही थी इस पूरी चीज को देखने के बाद. तो माशाल्लाह यू रियली परफॉर्म रियली वेल. एक वो जाहिर है पाकिस्तान से मोहब्बत और एक वो फीलिंग तो है. फिर एक वो जब जंग का इवेंट होता है जैसे एक आपकी चीज निकलती है तो इट ऑल कंबाइंस अच्छा रह गया वो. बेशक बेशक वो खास तौर पे हमारा जो ड्रामे में वो जो स्पेशल सेगमेंट था जिसमें वॉर का सीन हमने क्रिएट किया था. हमारे एक दोस्त हैं वो आज तक नहीं आ सके हमारे वो कुछ बीमार हो गए थे तो वो ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड वो उन्होंने मेजर अजीज भट्टी का करेक्टर किया था तो बहुत मेहनत थी उसके पीछे और माशाल्लाह जैसा आपने बताया कि वो सब लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. मैं आपकी तरफ आता हूँ इमरान. आपने आपके भी सपोर्ट हमारे प्रोग्राम अच्छा उनके चेहरे पे स्माइल पहले आ गई. आपने नोट की बात यानी कि उनके माइंड में कुछ चल रहा है अभी. उन्होंने एंजॉय किया इस प्रोग्राम को बिल्कुल. तो आपकी सपोर्ट रही है आपने हर चीज को बहुत नॉट ओनली ड्रामा आपने हर स्टेज से लेकर डिजाइनिंग और सब चीजों से लेकर मतलब जहां जहां हमें जिस चीज की जरूरत है आप मौजूद थे तो माशाल्लाह का फ्यूचर है इसमें. लेकिन लास्ट ड्रामे में आपने एक्टिंग भी की थी उससे पहले भी आपने की थी. लास्ट ड्रामे में एक स्पेसिफिक सीन था जिसमें रेस्क्यू वर्कर के तौर पे आपने परफॉर्म किया और सिचुएशन ये थी कि जो कश्मीर का जज्बा आपने दिखाया है और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और उसमें आपने आके कुछ बच्चों को या लोगों को वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं तो क्या फीलिंग थी आपकी वहां पर और कैसा आपने फील किया था? एक्चुअली जब तक हमने एक्टिंग की थी तब तो ऐसी कोई मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई नहीं थी. लेकिन जब हमने जाके लाइव परफॉर्म किया स्टेज के ऊपर दैट वाज टोटली डिफरेंट. सो गो विद द फ्लो वाली बात हो गई कि वो खुद ब खुद फीलिंग डेवलप हो गई थी और बहुत अच्छा परफॉर्म हो गया था. इतना अच्छा तो हमने रिहर्सल में भी परफॉर्म नहीं किया था लेकिन जो वहां जाके जो माहौल बना था और जो एटमोसफियर ने जो सबको सब उसमें किरदार जिस तरह से ब्लेंड हुए थे जी वो बड़ा बेहतरीन बात है. और आपने एक बच्ची को वहां से पिक करना था तो वो आपको डिफिकल्टी हुई थी क्योंकि आई थिंक शायद अनएक्सपेक्टेडली वहां पे और चीजें भी बहुत सारी चीजें हो रही थी जब आप लाइव परफॉर्म करते थे इसके ऊपर तो क्योंकि अर्थक्वेक आया था तो ब्रिक्स गिर गई थी सब कुछ था तो बहुत सी चीजें थी कुछ बट दैट वाज रियली अमेजिंग. लेकिन वो ओवरऑल काफी अच्छा था हमारे सब लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा. बिल्कुल बिल्कुल आपने जिक्र किया जैसे रिहर्सल्स का तो वो मैं बताना चाहूँ नाजरीन के साथ शेयर करने के लिए कि इस एक ड्रामे के लिए स्पेशली एक पूरा इवेंट हमारा एक तरफ होता था और ये ड्रामे की प्रैक्टिसेस एक तरफ आप सब लोग उसमें आते रहे और कम से कम 2 महीने की नंबर ऑफ एवरी वीकेंड हम लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और उसके बाद जाके ये 15-20 मिनट का ड्रामा बनता था तो सब लोगों की इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन. अच्छा वो उसमें सिर्फ रेस्क्यू का काम नहीं किया था उन्होंने आप
यू आर फॉरगेटिंग समथिंग. अच्छा, वो भुट्टो भी बने थे. जी हाँ, उसी में उसी ड्रामे में आपने भुट्टो का भी किरदार. और आपको टोपी अरेंज करनी थी आई थिंक. बिल्कुल, आप लियाकत अली खान के दोस्त थे. जब उनको गोली लगती है तो आप उनको पकड़ते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी सपोर्ट रही है. अच्छा इरम, मैंने आपने भी तो कुछ ये आउट ऑफ द सिलेबस आ रहा है कुछ. आपने कुछ वॉइस ओवर प्रोग्राम के लिए किया था इन ड्रामों के लिए, पीछे जो पूरी एक आवाज होती थी वो आपकी होती थी, तो कैसा था? वॉइस ओवर, नो डाउट, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वॉइस ओवर पर. वैसे ये क्वेश्चन था नहीं, आपने दे दिया है मुझे. लेकिन मैं अगर बात हो गई तो मैं ये बताऊं कि वॉइस ओवर सामने जो है 20 मिनट्स का वॉइस ओवर आपको नजर आता है, लेकिन उसके पीछे जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री के 20 ईयर्स होते हैं जो आपने 20 मिनट्स में उनको रिक्रिएट करना होता है. और ऐसे करना होता है कि मैसेज कन्वे हो जी. ऐसा ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी लैग बिहाइंड कर जाए. ना सिर्फ वॉइस ओवर बल्कि जो कॉस्ट्यूम की अरेंजमेंट थी पूरी, इसके साथ साथ आपने म्यूजिक के ऊपर काम किया था, साउंड ट्रैक्स बनाए थे. तो ड्रामा बेसिकली हमारी एक्टर्स हैं, हमारे कॉस्ट्यूम्स हैं, वॉइस ओवर है, हमारी रिसर्च है. और रिसर्च भी बहुत ज्यादा ऐसी रिसर्च होती है कि हम उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री को सही सही रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमारे पास मार्जिन नहीं होता कि हम कोई एक डेट भी जो है उसमें गलत कर दें. तो माशाल्लाह हमारे ये सब हमारे एक्टर्स हैं, इसके अलावा भी जो अब इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है वो सब हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं. माशाल्लाह से हम लोगों का इस तरह से फिर एक स्टेज पे जो है सामने आता है. बिल्कुल सही है, ये हमारे सब दोस्त ही होते हैं जो हमारे कहने के ऊपर और अपनी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है उसकी वजह से मतलब शामिल हो जाते हैं. हमारे इसी तरह से एक और दोस्त यहाँ मौजूद है, उमैर, जो कि मैम चलिए उनसे बात करते हैं. उमैर, आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है, आप कुछ बताना चाहेंगे? वेल, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया, अपने टीम का हिस्सा बनाया और बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह आप सबकी कामशे रही. मैं सुन रहा हूँ और वैसे भी देखता रहा हूँ, फॉलो करता रहा हूँ. मसरूफियात के लिहाज से मेरा ताल्लुक फाइनेंस से है और काफ़ी अरसा उसमें लगा है. अभी भी कुछ चीज़ें उसमें स्पेशलाइज कर रहा हूँ एकेडमिक्स की तरफ से. बाकी ये है कि म्यूजिक से एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है शुरू से. जी हाँ बिल्कुल, वो मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में. जी हाँ, गिटार है और ये मैंने कहीं इधर उधर रखा है, मैंने पास ही रखा है, मैंने कहीं लुढ़क के गिर ना जाए तो इसकी हिफाजत तो इसको इज्जत देनी होती. उस्ताद ने कहा था कि अगर इसको इज्जत दोगे तो ये तुम्हें इज्जत देगा, और अगर इसको इज्जत नहीं दोगे तो फिर ये कि तुम्हारी इज्जत खतरे में हम उमेर से भी कुछ जरूर सुनेंगे आज. उससे पहले लेकिन हम एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं. गेम हम खेलना चाहेंगे तो फिर हम उमेर को कहेंगे कि वो. तो गेम जनाब इस तरह से है कि हमारे पास कुछ ये पर्चियां हैं और आप लोगों ने बारी बारी एक पर्ची निकालनी है, उसको खोलना नहीं है और आपने हमें दे. जी 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 बिल्कुल. अब उस पर्ची में लिखा होगा एक वर्ड. मैं नाज़रीन के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बेसिकली जो वर्ड होगा या दो तीन वर्ड्स होंगे, बेसिकली ये पाकिस्तान के जो पीटीवी के लेजेंड ड्रामे हैं उनके नाम होंगे. तो वो ड्रामे का नाम बेसिकली हमें पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा. लेट्स से हम नुमान के साथ पहले खेल रहे हैं, तो नुमान के कानों पे लगा होगा ये हेडफोन. जी ये है. और उस हेडफोन में हम पाकिस्तान का नेशनल एंथम चला रहे हैं ताकि ये हमें डायरेक्टली ना सुन सके. एंड आई एम सेइंग द नेम ऑफ द ड्रामा जो कि यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा और उन्होंने लिप रीडिंग करके उस ड्रामे का नाम बताना है. Which could be a little bit tricky, लेकिन आपने ये बता दिया कि ये PTV के old dramas हैं. old drama है, तमाम बहुत ज़्यादा कुछ बहुत old नहीं है लेकिन सब बड़े मशहूर और हाँ, हमारी उम्र के हैं. जी जी हमारे इलाके हमारी बिल्कुल. तो हम नुमान भाई से स्टार्ट कर रहे हैं. नुमान आप मेरा फोन जी, नुमान साहब अपने कान पे हेडफोन लगा रहे हैं और आपने इसको ओपन नहीं करना है. ओके पहले तो आप बताएं आपके हेडफोन्स में क्या आपको आवाज आ रही है इस टाइम पे. जी नेशनल एंथम आने शुरू हुआ. बट ही इज लिसनिंग टू यू एज़ वेल. आपको आतिफ की आवाज आ रही है? नेशनल एंथम चल रहा है. ठीक है गुड गुड, चलें देख लेते हैं क्या रहता है. लेट्स सी. ठीक है, पहला जो वर्ड हमारे पास ये पत्ती नहीं खुल रही हमारी, क्या हो गया? क्लाइमेट खुल गया. अच्छा जी, तो जनाब ये है ड्रामा. अच्छा मुझे भी दिखा दीजिए प्लीज. सोना चांदी, सोना चांदी. ज्यादा जोर से ना बोले. सोना चांदी ये बहुत इजी था भाई, आप सही तरह बोल रहे हैं. नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं. अच्छा हमने लोगों को जिताना भी है. अच्छा उमेर की टर्न है. उमेर की टर्न जी. उमेर ठीक है जी, आप इसमें से
मैं मेक श्योर करना है कि बाहर की आवाज ना आए. हाँ नहीं कान बोलते थे. अब उसको पकड़े प्लीज. हाँ पर्ची अब हमें दे दे. नहीं आपने नहीं खोली. आपने खोली तो नहीं है. खोली तो नहीं है. नहीं पता चला आपको. मुझे हाँ मुझे लग रहा है कि आप जो है ना वो नहीं कर रहे हैं. ये हमने आज कैसे पर्चियां कर दी हैं कि जी आवाज आ रही है मेरी. कौन सा गाना सुनाएंगे. आपका नाम उमेर है. अच्छा चले आप बताएं. आप सुनहरे दिन. धुआं. सुनहरे दिन. धुआं. सुनहरे दिन. लास्ट में हमारे दिल. नहीं 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 कुछ कुछ करीब था. इट इज सुनहरे दिन. मैंने कहा ना ये आदिल ने बड़ा इजी कर दिया था. जी दूसरी तरफ बहुत कम ड्रामे देखे हैं. जी मेरा ख्याल है आपका एरा थोड़ा हमारे बाद वाला. हाँ वैसे ये बात भी तो है. फर्क है. नहीं मैंने सुनहरे दिन देखा होगा. नहीं देखा. इतना ज्यादा पुराना नहीं है लेकिन आर्मी के हैं उसमें. हाँ उससे पहले वाला. उससे पिछला वर्जन. उसमें सलीम शेख थे उसमें. जी जनाब आप नहीं नहीं आप बता देंगे इनको. मुझे दे नहीं, नहीं, अच्छा चले आप करें. आवाज आ रही है. ये नेशनल एंथम आ रहा है. क्या आ रहा है वो बोलेगी. आपका नाम क्या है. अच्छा चले. आंगन टेढ़ा. आंगन टेढ़ा. जो समझ आ रहा जवाब. जो भी बता दें. लास्ट है. लास्ट में. लास्ट में बताऊंगी. बोलो. आंगन टेढ़ा. जनाब अभी आएगी. कोई बात नहीं हौसला रखें. जी देखा आपने इनसे जो है ना. नहीं नहीं वो ऐसे तैयारी भी उनके मैन टू मैन वाली टॉक हो गई थी. चलो इनसे. नहीं नहीं मेरी बारी. नहीं 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 अच्छा चले चले. अच्छा जी आवाज आ रही. जब वो कह रहे नहीं आ रही. आपके लिए इंप्रेशन है. चले जी गेस्ट हाउस. गेस्ट हाउस. गेस्ट हाउस. ताकि देखा जाए. आप पर्ची ले लें. पहले मुझे पर्ची दे दें आप. और आप ये ले लें. मुझे अपने दोस्तों का ख्याल भी तो रखना. जनाब मैं पूछ लूं. जी जी आप. ये बहुत इजी है यार. 50-50. इतना इजी है. 50-50. ये इसका मतलब है. ये खुद जो है तैयारी कर उनको दे दें आप. कितने राउंड हैं. बस ये खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर. तीन तीन राउंड है इसके. थक गए आप. हाँ मैंने दो थक गए. चलिए चलिए उमेर के साथ. मुझे आवाज नहीं आ रही. मुझे भी नहीं आ रही. मैंने वैसे कुछ कहा ही नहीं था सकता. जी रेडी है. जी एक मिनट. आप बोलिए. नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा चल रिपोर्ट खेलते हुए दिख रहा. जी जी ब्रावो चार्ली. हाँ ये तो. देखा हमने. नहीं ज्यादा मतलब अच्छा हो गया. इजी हो गया. इजी चलें अब उनकी टर्न है. इमरान ये आवाज आ रही. नेशनल एंथम चल रहा है. ठीक है इसके अलावा चलाने के हमारे प्रोग्राम में कोई इजाजत नहीं है सर में. चलें अगर कुछ और चल गया तो किसी और की प्रमोशन हो जाएगी. हमें पाकिस्तान की करनी है. अच्छा देख लिया आपने. ये चीटिंग है. चीटिंग है ये. उजाला. अपने दोस्त से ख्याल रख रहा हूँ तो आप ही पूछ लें क्या है.
इशारों में बता नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं एनक वाला जिन एनक वाला जिन इट्स वेरी इजी एनक वाला जिन बस खत्म हो गया अब वही मैं कह रहा था कि एक्ट करके बता दो उनको करे एक्ट करे एक्ट एनक वाला जिन ये सही है अच्छा तो अभी और अभी खेलें या गाने की तरफ चलें आप क्या कहते हैं आप मेरा ख्याल है एक राउंड और कम एक राउंड और कम हाँ बिल्कुल ये एक राउंड की है ठीक है ये तो लीजिए और एक सेकंड आप कर लेंगे मैं तो इसको रिमाइंड कर आवाज आ रही है जी ताली में बालगांव ताली में बालगां ताली में बालगां ये माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त इनके तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं ये आप नोट करें जरा बात ये आपकी सही वो ये परी क्लियर है क्लियर है अच्छा चलो नेक्स्ट ट्रिक करने पड़ेगी जी जी आ गए जी मजबूरन आपके अब्बू के जमाने का दोबारा बोलिए खुदा की बस्ती चले इशारे से नहीं खुदा की बस्ती ऐसे करे ना खुदा की बस्ती मैंने ये कहा था कि आपके अब्बू के जमाने का वो नहीं सुन रहे थे रियाज अंकल से आप पूछेगा जनाब नेशनल एंथम चल रहा है नेशनल एंथम चल रहा है वो सब सही है आप पूछ रहे चलने से ओके अलिफ नून अलिफ नून ओफो वाह भाई वाह क्या सिक्स ये क्या कोई पर्चा तो नहीं आउट हुआ इनको लिप सिंग अच्छा था लिप मूवमेंट अच्छी चले चलो जी लास्ट और लकी लास्ट पे हम पूछते हैं क्या आया है यहाँ पर अच्छा जी धूप किनारे बेचारे उनका एक भी अच्छा ही नहीं हुआ धूप किनारे हाँ वेरी गुड बिल्कुल जी बिल्कुल धूप किनारे बेहतरीन तो बहुत अच्छा रहा वेरी नाइस अब इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे सबसे ऊंचा परचम हमारा रहे मेरी पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद ओह यस चेहरा बनता है भूल गली में पिरो तो भी चेहरा बनता है चेहरा बनता है दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान
जा जा पाकिस्तान दिल मेरी जमीन ओ आसमान इनके सिवा जाना कहां बढ़ती रहे ये रोशनी चलता Pakistan.